फार में हमने देखा एक वीक में 2 इंसिडेंट हो गया एक जेट का, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना गलत, मतलब क्या अनफेयर है, फेयर है आपकी सब सब क्या कहना? ऑनेस्टली मैंने ट्वीट भी किया इस चीज़ को लेकर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका बर्ताव, बिकॉज आई थिंक एज अ वुमेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल. हाँ, मुझे बेबी का ज़्यादा कुछ गेम में पसंद नहीं आ रही थी, बट इस चीज़ में मैं डेफिनेटली उनके साथ खड़ी हूँ, बिकॉज यार फैमिली शो है. एंड सलमान सर ने क्लियरली बोला था शो चालू होने से पहले भी कि मैं कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होने दूंगा इस बार, तो डेफिनेटली आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई जेड के तरफ से. और आकांक्षा के किस का जो मैटर जी, वो कितने हद तक आपको सही लगता है, क्या इसमें कुछ सही गलत नहीं है, बट डेफिनेटली मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज उन्होंने मुझे जेल के बाहर कहा था कि यू नो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द टच, बट मेरी इनफैक्ट उनसे बात भी हुई और उन्होंने वही कहा कि पलक कोई भी होता वुड हैव डन इट, बिकॉज मुझे टास्क को बहुत सीरियसली करना था उस चीज़ को, बिकॉज ऑब्वियसली वो नॉमिनेटेड भी थे. बट सर ने ये कहा जी कि वो टास्क नहीं लग रहा था, यू वांट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आकांक्षा की तरफ से डेफिनेटली वो टास्क था, बट जेड काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उस किस को. एंड यू नो एज अ गाय इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉमेंट टू पास कि शी इज़ अ बैड किसर, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उनकी नहीं अच्छी लगी. ही जस्ट केम आउट एज अ क्रीप ऑनेस्टली टू मी, बिकॉज आकांक्षा जितना मैं जानती हूँ उन्हें एंड हाउ मच इट शोड वॉज लाइक शी वॉन्टेड टू जस्ट पैक हिम, बट वो फुल ऑन इन्जॉय कर रहे थे. मुझे लगा भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गए वो. एंड जी जी मैंने नागिन वो रैपिड फायर राउंड था, एंड पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो उनका ही नाम था और कोई मुझे शो में नहीं लगी. ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी वाइज हैं काफ़ी डिसीजंस को लेकर. आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. इफ़ आई सी इट फ्रॉम अ गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू, 4 लोगों को साथ चलाना इज़ नॉट अ बिग डील, एक्चुअली मोर देन दैट. बट कुछ कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हो जाती हैं, वो अपने थॉट्स बहुत इम्पोज करती हैं दूसरों पे, एंड हम इन अ गेम हम एज एन इंडिविजुअल आते हैं यू नो, सो कहीं ना कहीं मुझे उनका लगता है जो बात करने का तरीका है, जो चढ़ के आती है, मैंने वो गेम में भी कहा था कि मुझे वो काफ़ी ओवरपावरिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी लगती है.